अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफाई यूट्यूब चैनल पे। और एक्चुअली जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता उनके लिए बड़ा क्विकली, मैं कोई पिछले 12 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ और पिछले कुछ अरसे से मैं स्वीडन के बारे में बड़ी प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ, जिससे आप बहुत सारे दोस्तों को फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा दुआएँ भी दी हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। चलें जी, आज के टॉपिक के बारे में चलते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, स्वीडन की एक सिटी है बोरोस, और ये उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। मैंने स्वीडन की डिफरेंट सिटीज़ के बारे में वीडियोस बनाकर पोस्ट की हैं, बड़ी प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, वो जाकर देखिए। अगर आप स्वीडन के किसी सिटी में मूव हो रहे हैं पढ़ाई के लिए तो आपके लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं। गेट स्टार्टेड वीडियोस हैं आपके लिए, बड़ा ही प्रैक्टिकल सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट दो सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटी। तो आज की सिटी का बताते हैं। आज की सिटी बड़ी स्पेशल सी सिटी है, इसको बोरोस कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं और बोरास बोरास कहते रहते हैं, लेकिन बोरोस इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। माई भी मैं भी बिल्कुल एग्जैक्ट स्वीडिश लोगों की तरह ना कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा क्लोजली कर रहा हूँ बोरोस। तो इसकी जी पॉपुलेशन है 66,000 के करीब, बड़ा छोटा सा सिटी है, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आके। लेकिन इस सिटी की पॉपुलेशन है 66,000, जो कि स्वीडन में एक छोटे सिटीज़ में कंसिडर होता है। इधर एरिक्सन की मैन्युफैक्चरिंग रही है बोरोस के अंदर, उसके अलावा H&M का जो ऑनलाइन शिपिंग सेंटर है, जो H&M कपड़ों की बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि स्वीडिश कंपनी है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, उनका जो ऑनलाइन शिपिंग सेंटर है वो बोरोस में सबसे बड़ा है। इसके अलावा बोरोस में कपड़ों से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांड्स के हेड ऑफिसेज हैं, जैसे कपाल है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ का, उनका हेड ऑफिस बोरोस में, एक बड़ी आइकॉनिक सी बिल्डिंग है। अच्छा, क्यों बोरोस की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि बोरोस को बेसिकली टेक्सटाइल का हब कहा जाता है स्वीडन में। जैसे हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद है, इंडिया में मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन फैसलाबाद को जैसे टेक्सटाइल का हब कहा जाता है पाकिस्तान में, इसी तरह बोरोस को टेक्सटाइल का हब कहा जाता है स्वीडन के अंदर। और बोरोस की एक और बात यह है कि ये स्वीडन में सबसे ज़्यादा रेनी सिटी है। अगर स्वीडन में किसी सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा रेन होती है तो वो बोरोस में होती है। तो लेकिन आगे आपको मैं बताता हूँ जी, इसका आगे सिटी के बारे में भी, इसके डिस्टेंसेस यहाँ पर और क्या प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, अकोमोडेशन और यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बोरोस को अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें स्वीडन के अंदर, तो बोरोस गोथनबर्ग के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। बोरोस गोथनबर्ग से सिर्फ 67 किलोमीटर के फासले पे है, और ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये बात क्यों अच्छी है। लेकिन स्टॉकहोम से देखें तो तकरीबन 407 किलोमीटर के फासले पे है, कुछ 4 घंटे, 4.5 घंटे की ट्रेन है। और अगर आप देखें मालमो से तो 285 किलोमीटर के फासले पे है, और 3 घंटे 17 मिनट की ट्रेन है। और उसके अलावा योंगशोपिंग से भी करीब है, योंगशोपिंग यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, तो योंगशोपिंग से 82 किलोमीटर के फासले पे है, तकरीबन 1 घंटे की ट्रेन है। और गौतमबर्ग से 67, जैसे मैंने बताया, कुछ 46 मिनट लगते हैं गौतमबर्ग से आने जाने में, और अभी ट्रेन नहीं चलती। अभी गौतमबर्ग से बोरोस के बीच में एक बस चलती है, जिसको बस 100 बोलते हैं, 100 नंबर बस, और वो डबल डेकर बस है, वो हर आधे घंटे बाद चलती है स्टॉकहोम और गौतमबर्ग और बोरोस के बीच में। और उसका जो वन वे टिकट है वो 137 क्राउन का है। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप बोरोस में आते हैं तो बोरोस इज़ वेरी क्लोज टू द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन स्वीडन, तो ये आपके लिए एक अच्छी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बोरोस से आके आप गौतमबर्ग आके काम कर सकते हैं। गौतमबर्ग में कुछ लोग काम करते हैं, वो बोरोस में रहते हैं। मैं खुद बोरोस के बहुत करीब रहता हूँ, बोरोस में नहीं रहता लेकिन बोरोस के बहुत करीब रहता हूँ, और डेली मैं गौतमबर्ग आता हूँ काम करने के लिए। और 2025 में और 2026 में गालिबन यही डेट्स थी, ये एक फास्ट कंप्यूटर ट्रेन भी चला रहे हैं, जो कि फासला फिर 15 से 20 मिनट का ट्रेन के थ्रू रह जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, और उनका अगर बोरोस यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है तो वो बोरोस से गौतमबर्ग, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है स्वीडन का, वहाँ पर आके जॉब कर सकते हैं। और अगर वो आपने जॉब करनी है तो उसकी जो मंथली टिकट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तकरीबन वो अगर आपने उस बस पे मंथली आना जाना है तो वो 1820 की टिकट बनती है, 1820 क्राउन की। खैर जी, आपने अगर बोरोस सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बोरोस सिटी के बारे में आप उसकी
जो सिटी की वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं, BORAS.SC, BORAS.SC। जी हाँ, ये बोरास बन गया अब, लेकिन जब स्वीडिश में ये ए के ऊपर एक छोटा सा दो गोल दायरा होता है तो उसे बोरोस बोलते हैं। ओ अच्छा जी, उसके बाद सॉरी अकोमोडेशन की तरफ आते हैं बड़ा क्विकली। आपने कुछ वेबसाइट्स हैं, bustader.boros.se मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, buplatsveria.se, wilhelm.se और उसके बाद hsb.se, ये अकोमोडेशन फाइंड करने के लिए वेबसाइट्स हैं। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपको जानना है तो ट्रांसपोर्टेशन की वही वेबसाइट है जो गोथनबर्ग में चलती है, बेसिकली पूरे वेस्ट्रा योतालैंड में वही चलती है, vastrafik.se, vastrafik.se। ठीक है जी, और अगर आपने बोरोस में एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप पे या एक ही जोन के अंदर आपने एक टिकट लेना है तो वो 30 क्राउन का मिलता है, और अगर बोरोस सिटी के अंदर आपको मंथली बस टिकट बनवाना है तो वो आपका 595, यानी कि 595 क्राउन का बनता है। अच्छा जी, आगे अब चले जाते हैं बड़ा क्विकली। अगर बोरोस से गोथनबर्ग के दरम्यान में आपने वो बस नंबर 100 का नहीं, दूसरा टिकट मंथली बनवाना है तो वो मेरे ख्याल से वो 1250 क्राउन का है, लेकिन ये डबल चेक आप कर सकते हैं bostraffic.se के ऊपर जाके। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने फुल पूरी की पूरी बोरोस लैन का वो एक्सप्रेस बस नहीं, वो जो वो तो चलती है हर आधे घंटे बाद में, लाइक पूरी की पूरी वेस्ट्रा जोता लैन का आपने बनवाना है, जिसमें बोरोस आता है, योंग शोपिंग, गोथनबर्ग, ओरेब्रो, कुंग्सबैक का और बहुत सारे सिटीज आते हैं, तो उसका जो मंथली टिकट बनता है वो बनता है 1600 ग्राउंड का। अच्छा, अब आ जाते हैं बोरोस यूनिवर्सिटी के ऊपर। बोरोस यूनिवर्सिटी को बेसिकली स्कूल ऑफ फैशन भी कहा जाता है, बिकॉज स्कूल ऑफ टेक्सटाइल भी कहा जाता है, बिकॉज वहाँ पर टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत काम हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसको आप स्वीडन का फैसलाबाद समझ लें, तो लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो 1977 में स्टैब्लिश हुई थी, उसकी वेबसाइट है hb.se, hb.se, उसके ऊपर जाके आप उधर के कोर्सेज के बारे में और पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रिसर्च हो रही है ज़्यादातर वो हो रही है टेक्सटाइल एंड फैशन के अंदर, उसके अलावा बिजनेस एंड आईटी के अंदर रिसर्च में जो बता रहा हूँ, जो PhD लेवल की काम हो रहा है, और उसके बाद फिर ह्यूमन प्रस्पेक्टिव केयर, और उसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के ऊपर भी वहाँ पर रिसर्च हो रही है। अगर आप इंटरनेशनल कोर्सेज के ऊपर आ जाते हैं तो फैशन डिज़ाइन है, मास्टर्स इन फैशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ये इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, मास्टर्स इन फैशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि फैशन की मार्केटिंग और मैनेजमेंट, इसमें आपको बड़ी बड़ी जो फैशन की कंपनीज हैं वो हायर कर सकती हैं। उसके बाद है जी आईटी मैनेजमेंट, टेक्सटाइल मैनेजमेंट और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के ऊपर काम हो रहा है, कोर्सेज हैं। जो आपकी यूनिवर्सिटी है बोरोस की वो बिल्कुल सेंटर में है सिटी के, और ऑलमोस्ट 11,000 स्टूडेंट्स 2019 तक वहाँ पर पढ़ चुके हैं, पढ़े उन्होंने पढ़ा है। और उसके बाद आ जाते हैं आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं 730। अब आते हैं जी द हॉट टॉपिक के ऊपर, के जॉब करके आप वहाँ पर पैसे कमा सकते हैं कि नहीं, और मैं ये रेफरेंस करूँगा अपनी बाकी वेबसाइट्स बाकी वीडियोस के ऊपर। छोटा सिटी है, पॉजिटिव ये है कि गौतमबर्ग के करीब है, बोरोस सिटी के अंदर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बोरोस के अंदर आप अखबार का काम भी ढूंढ सकते हैं और फूडोरा का काम भी ढूंढ सकते हैं और ऊबर ईट का काम भी ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा मैंने मेरी बाकी वीडियो देखें जाके, जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स इन स्वीडन, उसके अंदर मैंने पोस्ट की हुई है। और उसके अलावा ये है कि अगर आपको बोरोस में काम नहीं मिल रहा तो आप गोथनबर्ग को टारगेट कर सकते हैं। ले जी, ये था एक बड़ा क्विक सा इंट्रोडक्शन बोरोस सिटी का और बोरोस यूनिवर्सिटी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछें या मेरे फेसबुक पेज के थ्रू मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और बाकी ये है कि जी आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, ये जो इन्फेक्शन आया हुआ आजकल इससे अपने आप को बचा के रखें, और ये है कि मेरे लिए दुआ कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।